दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नई स्कीम आज लॉन्च की गई है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना। इस स्कीम के तहत दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। आपको इस पर सरकार 15,000 रुपये साथ साथ 500 रुपये प्रतिदिन साथ साथ 2,00,000 रुपये तक का लोन मुहैया कराएगी। पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे ये स्कीम किन लोगों के लिए लॉन्च की गई है और आप इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं। तो आज की जो स्कीम है दोस्तों विश्वकर्मा जयंती है, आज इन्हीं के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम के तहत दोस्तों 18 जो परंपरागत कार्य होते हैं जैसे कि बढ़ई, नाई, धोबी, कुम्हार, इन सभी कार्यों को देखते हुए इनको बढ़ाने के लिए सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। जो भी परंपरागत कार्य कर रहे हैं उनको विश्व स्तर तक उनके प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए सरकार यहां पर आपको ट्रेनिंग देगी। इसके बाद मार्केटिंग भी कराएगी। आप सपोज दैट कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आप कुम्हार हैं, सपोज दैट आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आप इन बर्तनों को विश्व स्तर तक कैसे पहुँचा सकते हैं, विश्व की मार्केट में कैसे बेच सकते हैं, इसके लिए सरकार आपको ट्रेनिंग मुहैया कराएगी प्रॉपर तरीके से। ट्रेनिंग आपका जितने दिन भी होगा उसमें 500 रुपए प्रतिदिन आपको ट्रेनिंग का दिया जाएगा खर्चे के लिए, साथ ही साथ टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए और सरकार आपको एक मुश्त देगी। टूल किट का मतलब जैसे मैं कुम्हार के एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पर चाक जरूरत पड़ती है, कुछ मशीनें जरूरत पड़ती है, तो उनको खरीदने के लिए सरकार 15,000 रुपए की और सहायता प्रदान करेगी। वहीं अगर आप इस कारोबार को बड़ा करना चाहेंगे तो पूंजी की आवश्यकता होगी, तो सरकार ने इस पर भी ध्यान में रखा है। बिना गारंटी के दोस्तों आपको 1,00,000 रुपए तक का सरकार यहाँ पर लोन देगी 18 महीने के लिए। अगर आप फिर से लोन लेना चाहते हैं तो अगले 30 महीने तक फिर से आपको 2,00,000 रुपए का लोन दिया जाएगा जो बिना गारंटी होगा। आज इसी स्कीम के विषय में और हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर आते ही अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना डालेंगे तो देखिए इसकी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। 3 घंटे पहले देख सकते हैं आपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्वीट भी किया गया, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पीएमओ इंडिया ने भी ट्वीट करके 3 घंटे पहले बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने भी बताया है। तो यहाँ पर देखिए ट्वीट करके भी सारी जानकारी दी गई, आज तक या अमर उजाला, बहुत सारे जो वेबसाइट है सभी ने जानकारी दी कि पीएम श्रम सम्मान योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना को यहाँ पर चलाया गया है, तो आप देख सकते हैं। और डायरेक्ट मैं वेबसाइट पर ले चलूँगा पीएम विश्वकर्मा योजना की, इस पर आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर और भी डिटेल देख सकते हैं। मैंने इस योजना पर दोस्तों एक डिटेल आर्टिकल लिखा है कि ट्रेनिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग कैसे करनी होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, आवेदन कैसे करना होगा, तो उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर आते ही आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के विषय में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आवेदन कैसे करना है, क्या क्या कागजात लगेंगे, उन 18 परंपरागत जो कार हैं उनकी लिस्ट क्या है, किन लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, सारा यहाँ पर मैंने डिटेल आप लोगों को दे रखा है, वेबसाइट का लिंक वगैरह भी दे रखा है, तो डायरेक्ट यहां से भी जा सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट थे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 18 किन समुदायों को यहां पर इस लिस्ट में शामिल किया गया, जैसे कारपेंटर, नाव बनाने वाले, हथियार बनाने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा, सुनार, कुम्हार, मूर्तकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया चटाई बनाने वाले, गुड़िया खिलौने बनाने वाले, नाई, माला, धोबी, दर्जी, इन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है। दस्तावेज क्या क्या लगेंगे वो भी दिया गया है। बात करते हैं लाभ की, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाभ क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होगा, वो मैंने सारे 6 बेनिफिट्स दोस्तों हैं जो अलग अलग मैंने यहाँ पर बता रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। फुल डिटेल के लिए आप पीएम विश्वकर्मा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि सरकार ने अभी लॉन्च की है इस पर भी जा सकते हैं। मैं यहाँ बता दूंगा आपको, ये दोस्तों सरकार ने सीएससी सेंटर को ऑथराइज्ड किया है, जो भी जनसेवा केंद्र होते हैं वहाँ से जाकर आपको आवेदन कराना होगा और आप डायरेक्ट, हालांकि अभी नहीं कर पा रहे, हो सकता सरकार बाद में बोल दे कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो सीएससी सेंटर पर जाकर आप इसके ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। और अगर बात करें कैसे सीएससी सेंटर वाले अप्लाई करेंगे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं इसी पोस्ट पर दे दूंगा, पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये स्कीम आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, सरकार क्या इस स्कीम को लॉन्च करके रोज़गार मुहैया कराना चाहती है, क्या कराना चाहती है, आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।